मैं ये विश कहां चली गई? हेलो, मैं तो अपना रूम ही भूल गई। तुम्हें बाहर आते हुए देखा तो सोचा तुमसे ही पूछ लूं। कहां है मेरा रूम? अरे यहाँ नहीं है। ऑब्वियसली मुझे भी पता। विश, रावी, इट्स रावी। अरे लेकिन यहाँ पे, अच्छा सुनो ना, चलते चलते बात करो ना, पहले यहाँ से चलो। मुझे ना यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, और पता नहीं तुम्हारे पीछे पीछे मैं यहाँ कैसे आ गई। चलो ना, चलो ना, प्लीज चलो, लेट्स गो। तो ये है नया चेहरा, अच्छा है और खूबसूरत भी। अब मारने वाले को मारना और भी आसान हो जाएगा। अब इंतजाम नहीं, बस इंतजार करना है। इंतजार नहीं होता। बताओ ना कि तुम और यूवी मिले कैसे? बहुत रोमांटिकली किया होगा, राइट? तुम्हें पता है मुझे कैसे किया? ट्रैफिक को रोक कर, मेरी टैक्सी पर चढ़कर चिल्लाकर बोला, रावी, आई लव यू। रावी जी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे देर हो रही है, मुझे यूवी जी से बहुत जरूरी बात करनी है। हां, गुड नाइट। चेलस, तू यहां कहां से? मुझे लगा कि यूवी, मुझे लगा उनका कमरा है। नहीं नहीं, कमरा उन्हीं का है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को कल तक का वेट करना चाहिए ना। वेट नहीं हो पाया ना, आप समझिए। मतलब प्रॉब्लम है कुछ। आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम है। मैंने वो टॉवल पहना हुआ है तो मैं चेंज एक नहीं, नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं, मेरा मतलब है वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए वो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार योगी जी को बुलाइए ना, प्लीज, उनसे बात करिए जरूर, थोड़ा जल्दी। बिला, टर्न अराउंड, मैंने बाथरूम पहन लिया, देख सकती हूँ यहाँ। आराम से मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है? औरत अपने कमरे में नहीं है। कौन औरत? विश खन्ना अपने कमरे में नहीं है, पता है कहाँ? इस वक्त आधी रात को सड़क के उस पार मंदिर में। और आपको पता है वो कुछ कर रही थी, मैंने देखा अपनी आंखों से, वो कुछ ना नॉर्मल नहीं था। मैं आपसे कह रही हूँ उस औरत के साथ कुछ गड़बड़ है। अभी देखिए, जैसे जो मैं सोच रही हूँ वैसा हो तो उसको यहाँ आने में 5 मिनट लगेंगे। हम उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं, क्योंकि अपने कमरे में नहीं है ना, वो तो उस मंदिर में, क्योंकि मैंने उसको देखा था। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाह रही हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो औरत ठीक नहीं है, वो विश खन्ना अपने कमरे में नहीं है, वो मंदिर में है, उसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं ना। आप चलिए उसके कमरे में, क्योंकि वो होगी नहीं ना। अब चलिए, समझ तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा, फिर भी आप चलिए। देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पे कोई नहीं है। बेला, डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा हुआ है। अरे वो तो लोगों को बुद्धू बनाने के लिए लगा हुआ है, ताकि किसी को शक ना हो। मैं आपसे कह रही हूँ वो नहीं है कमरे में, आप चलिए ना। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। कोई है? प्लीज ओपन द डोर। एनीबॉडी? मौली जी, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ वो नहीं है कमरे में, आप चलिए ना, वो मैं मंदिर में मिलेगी, चलिए। यस, मे आई हेल्प यू? बाहर टैग नहीं देखा? देखा, फिर भी तुम मुझे देखना चाहते थे इतनी रात को अकेले इस हालत में। इंटरेस्टिंग, ये यहां कैसे हो सकती है? बट सॉरी, यू लेट, आई ऑलरेडी हैव कंपनी, बट नेवर माइंड, तुम अंदर आ सकते हो, प्लीज कम। व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है अभी भी? जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं चल रहा। एक्चुअली इसे नींद नहीं आ रही थी। और तुम इसे लोरी सुना रही थी?
ब्रो आई जस्ट केम फॉर अ ड्रिंक बस यही हम बस शादी की बातें कर रहे थे इसके शादी की ये मुझे बता रहा था कि शादी को लेकर ये कितना खुश है खुशियां बांट रहा था है ना कुछ नहीं होगा नहीं होगा ये रिश्ता नहीं होगी शादी बिला बिला लिसन बिला प्लीज रुको क्या देखने के लिए ये सब देखने के लिए और ये सिर्फ आज की बात नहीं है माहिर जी हल्दी सगाई शादी के हर फंक्शन में युवराज जी यही कर रहे थे उनकी नजरें नहीं हट रही थी उस औरत पर से उनकी नजरों में धोखा साफ दिख रहा था लेकिन मैं इसे अपनी नजर का धोखा समझती रही लेकिन अब मेरी बात समझ क्या समझूं माहिर जी वो आपके भाई हैं आप उन्हीं की साइड लेंगे उन्हीं को ठीक कहेंगे लेकिन मैं अब गलत को गलत ही कहूंगी और ना ही कुछ गलत होने दूंगी और ना ही मैं अब कुछ गलत कर सकती सॉरी माहिर जी लेकिन बहुत हो चुका नहीं कर सकती मैं ये शादी अरे बेबी अरे मैं वहां कुछ नहीं कर रहा था I was just having a glass of wine. That's it. Trust me, baby. Yes, baby. Trust him. We were just having wine. और क्या यार पीला? कल शादी है हमारी, हाँ? मैं नर्वस हो गया था, नींद नहीं आ रही थी. अगर तुम्हारे पास आता, तुम क्या बोलती? कि ये सब शगुन नहीं, अपशगुन है, all that stuff, हाँ? और फिर मैं अच्छा भी नहीं लगता पीला. मुझे तो अच्छा लगता. मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी. मुझे लगा तुम मेरे कमरे में आने वाले हो. I mean, कॉफी पीने. Good night. Whatever. Oh, baby. Bela. Bela. भाई, भाई बचा लेना, भाई. को कोई हक नहीं बनता आप इस तरह मुझे शर्मिंदा करें अगर आपको यही सब करना है आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं इन्हीं में से किसी एक It's okay, Bela. Let it out. After you. One second. Bela. देखो तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा ये शादी एक धोखा नहीं यूवी पागल है बदतमीज है बेवकूफ है काफी सारी ऐसी चीजें कर जाता है जो उसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है लेकिन मुझे पता है मुझे इतना पता है बेला कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है He's madly in love with you, Bela. इसीलिए तो वो लड़का जो कल तक हर एक लड़की के साथ रहना चाहता था आज वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता है क्यों बेला यूवी को सही और गलत की समझ है यूवी जानता है कि तुम उसके लिए सही हो इसलिए वो तुमसे शादी कर रहा है नहीं तो वो रावी विश क्या क्या नाम है उनका उनसे भी शादी कर सकता था ना बेला देखो यूवी जिंदगी में बहुत मजाक करता है लेकिन जिंदगी उसके लिए मजाक नहीं है उसकी जिंदगी तुम हो और वो तुमको मजाक में ले ले ऐसा हो नहीं सकता देखो मैं ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई और मैं जानता हूँ उसको उससे भी ज्यादा ट्रस्ट मी बिल भाई मान गई ना उसकी छोड़ तू कब मानेगा भाई भाई कसम से मैं तो ठीक हूं और इनफैक्ट विश के साथ सिर्फ वाइन का सीन था और वो कॉफी
उस कॉफी वाली का। देखियो मैंने बिला को समझाया, मेरा ख्याल कहता है कि वो मान जाएगी, लेकिन तूने अगर अपनी हरकतें नहीं सुधारी। नहीं, 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 भाई ट्रस्ट मी, अब जो भी हरकत होगी वो सिर्फ बेला के। आई मीन टू से कि व्हाट डू यू से, वो फास्ट को हिंदी में व्रत और वो वाइफ को हिंदी में पति। हाँ, पत्नी व्रता पति बनकर आऊंगा, वन वुमन मैन, कसम से। देखो प्रूफ भी है, देखो गला पकड़ रहा हूँ, आई स्वेयर। गला तो मैं पकड़ूंगा ये भी। अगर तूने बेला की जिंदगी बर्बाद की तो देख, अगर तुझे अपनी आदतें नहीं सुधारनी है ना, तो तू इरादा बदल, शादी कैंसिल कर दे। अरे नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो भाई? आई वॉन्ट हर, आई लव हर। हाँ बोलो, हाँ बोलो, मैंने हाँ कहा ना, ट्रस्ट मी। ओके, अब फोन रखो। एंडी, तुम जानते हो वो तब तक कॉल करना बंद नहीं करेगी जब तक आदि वहां से बाहर नहीं आ जाता। आई नो दैट। तो क्या करूं, पुलिस के पास जाऊं इस वक्त, उनसे भीख मांगो मेरे बेटे को छोड़ दो? व्हाट डू यू वांट? I'm sorry, okay? मेरा दिमाग खराब हो गया है। और माहिर कहता है अगर आदि के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और वो वाकई इनोसेंट है तो ही वो उसकी बेल करवाएगा। समझ में नहीं आता है कि इतने हाई मॉरल्स और इतनी ईमानदारी कहां से आई उसमें। शायद तुमसे। कम से कम माहिर तो मेरी तरह है। एक गया, कल एक और जाएगा। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई को ड्रिंक्स पे बुलाया था। एंड ये क्या, तुम रात को कपड़े नहीं पहनते? नहीं। नाइस, अच्छा करते हो। I mean, अच्छा ही है। लेकिन जो तुम कर रही हो ना, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देखो, मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मेरे भाई और उसकी मंगेतर से दूर रहो, वरना क्या? वरना तो तुम देख ही लोगे मैं क्या करता। कर क्या लोगे तुम? जान लोगे, सजा दोगे, क्या करोगे तुम? देखो, मैं जो भी करूंगा ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आई स्वेयर, आई मीन इट दिस टाइम। मेरे भाई से दूर रहो, जस्ट स्टे अवे। आउट, आई सेड गेट आउट। क्या था ये? इसके सामने मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसे क्यों? नहीं, नो। व्हाट? माहिर आ रहा है, तेरे को लॉकअप में फोन कहां से मिला? अरे वो सब छोड़, लेकिन तू माहिर भाई को क्यों भेज रहा है? मुझे पता है वो सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, और मुझे भी ये पे जेल में चढ़ने के लिए छोड़ दे। अरे यार, तू बिल्कुल टेंशन मत कर। देख, हमने सबने मिलकर उनको अच्छे से इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया, और तू छूट जाएगा यार, चिंता मत कर। माहिर भाई जस्ट अभी आते होंगे वहां पे। भाई, आई स्वेयर, मुझे ना बहुत बुरा फीलिंग हो रहा है। ये सब सही नहीं हो रहा है, जो हमने किया था ना, ये सब वापस आ रहा है। भाई, तुझे याद है कुछ महीनों पहले हमने उस सांप को? शट अप यार भोटू, तू क्यों बात बात में उस सांप को बीच में ले आता है? दैट वाज जस्ट अ स्नेक, मार दिया उसको हमने, मर गया वो, कुछ नहीं होने वाला, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हेलो सर, प्लीज बैठिए। चलो यार, रखता हूँ मैं।
और एक हवलदार से सेटिंग करके ये फोन अरेंज किया था, ठीक है? या आई टेक केयर, या आई टेक केयर, या बाय। हवलदार जी सर, आदित्य सहगल को लेकर आओ, छोड़ना है उन्हें। जी सर, आइए। आदि बेल हो गए। ये क्या हुआ? पता नहीं ब्रो, बहुत सर में बहुत दर्द सा हो रहा है। डोंट नो। आजा। हेलो, हाय डैड। नहीं नहीं नहीं, अरे बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स में ही हूँ। हाँ, यूवी की शादी है ना? डोंट टेल मी डैड, जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट की टिकट्स मिल गई। कब की मिली है? डैडी आज की। ओह नो डैड, मैं आ रही हूँ। आई कांट मिस जस्टिन बीबर, बाय। मैं तो जा रही हूँ कॉन्सर्ट। भाग में जाइए शादी, कौन सा यूवी मुझसे शादी करने वाला है? ये क्या है? पता नहीं सर, किसी मैडम ने आपको देने के लिए कहा है। हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी मैडम? बाहर आके मिलो इमीडिएटली। पता नहीं तुम मुझसे क्या चाहते हो, पर मुझे अपनी शादी में बुलाया, मतलब कुछ तो जरूर चाहते हो। तो आओ खुद बता जाओ, कल से वेट कर रही हूँ। कम ना बेबी, आई प्रॉमिस जो मांगोगे दे दूंगी। नॉट अ बैड डील। मैं बाहर व्हाइट कार में हूँ, पीछे के डोर से जल्दी आ जाओ। रावी, इसका मतलब जो कल आधे घंटे में नहीं हुआ वो आज हो सकता है, और शादी में आधा घंटा बाकी है। आई लाइक इट। उनको नहीं पिलाना है। किसको? इसको। ये तुम्हें बचा नहीं आया है। तुम्हें ये दूध, इस सांप को अपने हाथों से दूध पिलाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित और अच्छी रहेगी। आधे घंटे में घर में शादी है और ये सांप ले आया, प्लीज स्टॉप। बोलो पंडित जी, हम इसको बोतल से दूध नहीं पिला सकते क्या? बोतल से सिर्फ दारू क्या? नहीं, आपको तो हाथों से ही पिलाना पड़ेगा। लेकिन इसने मुझे काट लिया तो? कुत्ता नहीं है, पता है। पंडित जी, ये आंखें तो एकदम कंची आंखें। नहीं 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 नहीं, आपको पता है कंची आंखें वाले कितने खतरनाक होते हैं?
इनके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है ना इन्हें? अरे आप उनसे क्या, आप मुझे दूध दीजिए, दीजिए लो दूध पिला दो। देखिए मैं दूध पिलाता हूँ, मुझे काटा क्या, नहीं काटा ना। ये क्या है तुम्हारा रोज रोज नया ड्रामा? ये वो ड्रामा नहीं है, ये तो पंडित जी ने मुझसे कहा था कि घर में जितनी बाधा होंगी ना सब खत्म हो जाएगी ऐसा करने से, कोई तो मैंने किया नहीं तो मैं थोड़ी ना करती ये चीज। अच्छा हुआ तुम्हारे पंडित जी यहाँ से चले गए। नहीं 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 सुमित्रा दीदी, वो तो पंडित कुछ भी नहीं था, मेरे पास तो इससे भी बड़े बड़े पंडित है, और उन पंडितों ने बोला है कि जैसी आदि छूट गया। ये क्या, ये बोलो आदि, आदि आदि चेंज कर लेते हैं, 20 मिनट बचे मुहूर्त। बोल रही हो तुम, बोलो ठीक से बोलो, क्या बोल रही हो तुम? What? मुझे ऐसा लगता है कि ये कह रही है कि इसने मौन व्रत ले लिया है। काश हमेशा हमेशा के लिए ले ले। तुम, मुझे नहीं लगा कि तुम आओगे। बेबी यूवी को बुलाए और यूवी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अभी नहीं, लेट्स गो। तो पूरी प्लानिंग है बेबी की? हाँ एग्जैक्टली, फुल प्रूफ प्लानिंग। चले लेट्स गो। आई लाइक इट, कम बेबी। यूवी सर, यूवी सर, यूवी सर, सर एक मिनट प्लीज। सर आपको अंदर बुला रहे हैं पगड़ी सेरेमनी के लिए। अरे यार उनको बोलना मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, ठीक है बाय। सर आधा घंटा, आधे घंटे में तो सर। अरे रिलैक्स यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरी शादी हो रही है क्या? और वैसे भी दो दूल्हे, भाई को बोलना प्रथम को पगड़ी छगड़ी पहना देंगे, ठीक है? और ध्यान से देख, स्पेशल गेस्ट है तो खातेदारी करनी बनती है। तब तक मैंने शेयर दिखा के आता हूँ, ठीक है? भाई को बोलना यू भी आधे घंटे मारा अपना काम खत्म करके। बाय बाय, लीव लीव। ओके ओके सर। वैसे हम जा कर रहे हैं बेबी झरनों में। वो आदि, तू आ गया? यार मेरी जान में जाना गया यार आदि। भाई तेरे काम करना, तू जल्दी से ना पंडित को बोल के ना शादी के मंत्र पढ़वा दे, और जितना जल्दी हो सके ना मैं इसे छुमंतर हो जाऊंगा और दोबारा जिंदगी में नहीं आऊंगा यार। ओ रिलैक्स यार, तू भी ना मतलब। तू कैसा है, कैसा तेरे को चोट कैसे लगी है? अरे चोट आदि, तेरे को चोट कैसे लगी यार? यार कोई नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, इसका मुंह बंद करो। अरे चुप करना यार, बोल। पंडित जी सब ठीक ठाक है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, सारी तैयारियां हो गई।
राम राम राम, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं विवाहित हूँ, घर में श्रीमती जी हैं। बोलो मी। लड़का लड़की को नीचे बुलाना है। पंडित जी ये कह रहे हैं वर वधू को बुला लें। जी जी मैं समझ गया, आप शीघ्र बुला लीजिए उन्हें। अरे ऑफ कोर्स हनीमून कपल है फॉर 15 डेज। या ऑलराइट, थैंक यू सो मच। हाय माहिर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगता सब आगे हम ही रह गए हैं। माहिर, one second, one second. माहिर, बोलो। माहिर क्या हो रहा है? मैंने एक काम दिया था ना तुझे, यूवी को बुलाने का। देखा कितने सारे गेस्ट आ गए, मुझे उनको अटेंड भी करना है। यूवी कहाँ है? हाँ मैंने उसको बोला था आधे घंटे में नीचे आ जाने के लिए। माहिर मुझे कुछ नहीं पता, बस तू यूवी को ले आ, ओके? I'll get it. यार बेबी यार ज्यादा दूर नहीं जा सकते यार। क्यों? क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, आज जो भी करना पड़ेगा वो जल्दी खत्म करना होगा। क्या यार, आई मीन जल्दी के चक्कर में एटलीस्ट मजा तो मत खराब करो। यू द बॉस, शुरू मैं करूंगा खत्म, तुम करना। हैप्पी? वेरी हैप्पी। लेट्स गो। यार क्या कर रही हो बेबी, इतनी देर से ड्राइव करके कहाँ ले जा रही हो? बहुत अच्छी जगह है वो, और जहां मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ ना, उस बारे में सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, योर टच कैसे भूल पाऊंगा मैं? कभी नहीं भूल पाओगे। यू सीम डिफरेंट, तुम्हारा ये साइड तो मैंने कभी नहीं देखा। स्वीट हार्ट, आज मैं तुम्हें अपने इतने साइज दिखाऊंगी कि तुम शॉक डी हो जाओगे, और क्या पता एंड में तुम रोने भी लग जाओ। किसके एंड में? तुम एग्जैक्टली जानते हो कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। वो शुरू तो करो, फिर देखते हैं कि एंड में तुम रोती हो या मैं। रोगे तो तुम ही। और तुम क्या करोगी? मैं तो हंसूंगी। ये इजी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू रवि? और ये कौन सी जगह है, कहां पर है, कहां पर हम? वहीं जहां से हमने शुरू किया था। शुरू किया था वहां? Hey, listen. Are you okay? Is everything all right? मेरे पास टाइम ज़्यादा कम है, तो let's go, let's do it. Come. It's all right, sweetheart. सचमुच तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तुम विश पहले तो रावी थी, वो नहीं थी, मैं ही थी। नो, what the hell? विश Yes. जो कल नहीं हुआ वो आज होगा। देख कैसे अचानक काले बादल छा गए, शायद इन्हें भी तेरा काल दिख गया। भाग, अब तू बस भाग ही सकता है, बच नहीं सकता।
यूवी रेहान यूवी कहाँ है? पता नहीं भाई, आई डोंट नो. एक सेकंड, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड. हेलो, ये लड़का पता नहीं यूवी कहाँ मिला या नहीं. अरे बिन मौसम बिच, चल कुछ अच्छा ही होगा, ये भी अच्छा ही शगुन होता है. क्या माँ, बिना. अच्छा सुन, तो यूवी को लेके आ जा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. तुझे पता है ना मुहूर्त का वक्त हो रहा है. पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, इसका फोन भी नहीं लग रहा. और महेश सर, क्या हुआ जी? वो युवराज सर किसी लड़की के साथ बाहर गए हैं. व्हाट? हाँ, मगर उन्होंने कहा है कि आधे घंटे में अपना काम निपटा कर लौट आएंगे. नाउ एंड ये बिन मौसम बिजली का कड़कना किसके लिए शगुन है? योवी तू तो गया बेटा. निकल रहा है दूल्हे राजा. कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं नागिन हूं. नहीं, 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 नहीं। किसी का जोड़ा तोड़ा है तूने, दो प्यार करने वालों को एक होने से रोका है. नहीं, 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 नहीं. हाँ, पहले तूने उन्हें चोट पहुंचाई और तड़पाया भी. फिर बहुत रुलाया. और फिर उनकी जान ले ली. तूने उनकी जान. विक्रम, तो अब तू कैसे जिंदा रहेगा? तूने जान ली है तो अब तू जान देगा.
थोड़ा उचक के रह, नहीं तो बीवी तेरे को नीचे पिचका के रखेगी। मामा बोलने लगी। और क्या, एक घंटे का ही तो व्रत था पागल, पूरी जिंदगी के लिए थोड़ी ना चुप रही थी मैं। या मेरा प्रथम जीजा। अरे प्रथम यार, अपना यूवी का रह गया, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो बच्चों भाग में। अरे दूसरे दूल्हा और दुल्हन कहाँ? पता नहीं। माहिर भाई, यूवी भाई। अरे मेरी बहू आ गई। सुहानी, मेरी बहू आ गई। चल, अरे सुमित्रा दीदी, आपकी बहू नहीं आई अभी तक। सुहानी बेटा, तुम्हारी दोस्त आ तो रही है ना? हाँ, वो बस थोड़ी देर में आए। बैठो बैठो, तुम तो बैठो आराम से, आराम से। हाँ मामा। अकु तुम रुको, मैं देखता हूँ। ओके, थैंक यू। वो मैं ही था जिसने बेला को यकीन दिलाया था कि उसे यूवी से शादी करनी चाहिए। मैंने वादा किया था बेला से कि यूवी उसे बहुत खुश रखेगा, पर यहाँ तो यूवी बीच शादी से ही भाग गया। अब जाके क्या कहूँ मैं बेला से, कैसे तोड़ दूँ अपना ही किया वादा। घबराइए मत, भाग नहीं रही थी। वो ये मुझे थोड़ी सी आदत है, थोड़ा सा स्ट्रेस में होती हूँ तो क्या है, सब साफ सफाई करने लगती हूँ। लेकिन डोमर अभी ठीक हूँ। मिला, मैं तुमसे कुछ बात करने आया। मैं जानती हूँ, सी आई वॉज रॉन्ग। क्या है ना, कभी कभी लाइफ में जो नहीं हो रहा होता मैं उस पर फोकस करने लगती हूँ, फिर क्या होता है सब गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बुरे बुरे ख्याल आते हैं और जो ठीक लोग होते हैं ना वो भी खराब करने लगते हैं। आपकी घड़ी का स्ट्रैप, इसे ठीक कर लीजिए ना प्लीज। क्या है, मुझे थोड़ा सा हो चुकी है, जब तक सब चीजें ठीक नहीं हो जाती ना मुझे उलझन रहती है। बेला, मैं एक्चुअली तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो, मुझे पता है आपको क्या कहना है। मैंने कहा ना, मैं समझ गई हूँ। कल रात आप ठीक कह रहे थे, यूवी जी बुरे इंसान नहीं है, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझसे शादी क्यों करते। नहीं, ट्रस्ट मी, मुझे पूरा भरोसा है उन पे, क्योंकि आपको उन पे भरोसा है। और मैं भरोसा करती हूँ आपकी उस बात पे जो आपने मुझसे कही थी कि आप मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। याद है ना अपना वादा, या भूल गए आप? याद। अभी नीचे चलना है क्या? नहीं नहीं, I'll call you. भाई भाई, सॉरी, आपने यूवी को देखा है? वो कुछ छोड़ उसको, तूने शर्मा अंकल को देखा है? बेला के पापा को देखा है? हाँ, वो होटल के रिसेप्शन पे गए हैं, वो गठबंधन का कपड़ा लेने के लिए। एक काम कर, एंट्रेंस पे जाके खड़ा हो जा, और जब तक वो आए नहीं वहीं पे रहना, जैसे ही वो आते हैं उनको ऊपर ले जा, ठीक है? किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए बोलतो। क्यों भाई? अरे जितना कह रहा हूँ उतना करना बोलतो, वहां पे जाके खड़ा हो जा, हॉल में किसी को पता नहीं लगना चाहिए और उनको भी पता नहीं लगना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है? गो। अरे पंडित जी, तब तक आप दूसरे बच्चों के साथ तो शुरू करिए, दूसरी दुल्हन आती होगी बस। माई दुल्हन तैयार नहीं है, या फिर शादी में आने के लिए तैयार नहीं है? मॉम, आदि बेटा फोटो लो ना भाभी के साथ। आइए आइए। अरे बच्चा तुम भी आओ, जल्दी आओ, उठ जाओ। नाग, मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्या हुआ? बाबा कुछ तो कर पड़े। सब कुछ पता करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट नहीं, 5 जन्म ले लो।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.